नमस्कार, आज मैं बात करने जा रही हूँ वरुण शिग्रू कषाय के बारे में, या वरुण शिग्रू क्वाथ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वरुण शिग्रु क्वाथ, इसमें दो तरह की हर्ब्स हैं, वरुण एंड शिग्रु। वरुण और शिग्रु दो तरह की हर्ब्स को मिला करके जो कषाय बनाया जाता है, या जो क्वाथ या डिकॉक्शन जिसे हम बोलते हैं, जब वो बनाया जाता है तो उसे वरुण शिग्रु क्वाथ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वरुण की। वरुण एक वृक्ष है जो कि भारत में बहुत सारे स्थानों पे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली, बहुत सारे मैदानी इलाकों में ये पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम जिसे हम बोलते हैं वो है क्रिटेवा नुर्वला, और कैप्रिडेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब हम इसके गुण, रस, वीर, विपाक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वरुण जो है, वरुण की बेसिकली छाल का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो छाल है वो रस में तिक्त कषाय है, विपाक में कटु है, वीर्य में उष्ण है, और लघु रुक्ष गुण इसके अंदर होता है। इन रस गुण, वीर्य, विपाक के कारण ये जो है कफ वात शामक है, यानी कफ दोष और वात दोष दोनों को ही शमन करती है। इसलिए ऐसी व्याधियां जहां पर कफ और वात प्रकुपित हो गए हैं, उन सभी व्याधियों में वरुण का बहुत अच्छा जो है वो प्रयोग देखा गया है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि वरुण का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वरुण का प्रयोग हम UTI, जो जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्रगत, मूत्र संस्थानगत जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी कैलकुलस यानी अश्मरी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड लिथोट्रिप्टिक, सो इट इज़ यूज्ड इन अश्मरी। यानी जो भी रीनल कैलकुलस, या जो जिसे हम बोलते हैं गुर्दे की पथरी, उसमें जो है वरुण का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये अश्मरी का भेदन करता है और फिर उसको निकालता है। ये एक अच्छा डायूरेटिक भी है। डायूरेटिक मीन्स मूत्रल, यानी मूत्र की प्रवृत्ति कराता है, यानी मूत्र आघात जब हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन, उसमें भी वरुण का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसलिए जो रीनल फेलियर के केसेस होते हैं, जहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन है, वहाँ पर भी वरुण का बहुत अच्छा रोल है। ऐसी कंडीशंस जिनमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम यूरिया बढ़ जाता है, वहाँ पे भी वरुण का हम चूर्ण या वरुण का कषाय हम देते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेदस्वी लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, जिनका मेद बढ़ गया है, क्योंकि जो मेदस्वी पुरुष होते हैं, या जिसे हम मोटापा बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, वहाँ पर वात और कफ दोनों ही प्रकुपित हुए होते हैं। ऐसी कंडीशंस में वरुण का कषाय उनके वेट को ड्रेस्टिकली कम करता है। तो मेदस्वी पुरुषों को भी हम वरुण का चूर्ण या वरुण का कषाय हम देते हैं। इसके अलावा जितनी भी ग्लैंडुलर डिसीजेज, ग्लैंड्स यानी ग्रंथि से रिलेटेड डिसीजेज, जैसे थायराइड की डिसीज हो गई, BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, जो कि पुरुषों में एक ग्रंथि होती है गदूद, या जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बार बार पेशाब का आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, वीक स्ट्रीम रहना, और अर्जेंसी रहना यूरिन की, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन रहना, बूंद बूंद करके पेशाब का आना, इस तरीके की व्याधियों में भी हम जो है वरुण का प्रयोग करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। कोई भी शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, कोई भी ग्रंथि है, कहीं भी किसी शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं सेल्स जो है एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है वरुण का बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि वरुण एक बहुत अच्छा जो है वो कार्मिनेटिव है, स्टमक एक को कम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसको हम जो है गुल्म, शूल, उदर शूल, उदर गुल्म में भी इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनल एब्सेस, अगर हमें कहीं लगता है कि इंटरनल एब्सेस है, तो वहाँ भी वरुण का बहुत अच्छा प्रयोग है। अब वरुण के बाद हम आते हैं शिग्रू पर। शिग्रू जो कि मोरिंगा ओलिफेरा इसका बोटैनिकल नेम है, ये भी एक वृक्ष के रूप में पाया जाता है और मोरिंगेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। मोरिंगा ओलिफेरा जो है, इसको हम आम भाषा में सहीजन भी कहते हैं, जो कि इसकी जो फली होती है उसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, जो सांभर में यूज़ की जाती है, इसके पिकल्स और सब्जी भी बनाते हैं लोग। तो जो मोरिंगा ओलिफेरा है, इसके दो टाइप भी हैं, दो टाइप मिलते हैं, मधु जो है मधु रस के अकॉर्डिंग, मधुर वाला, और एक कटु रस, दो तरह की इसकी वैरायटी होती है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ फ्लावर्स, बट अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सहीजन का जो है, मैं अगर बात करूं, इसकी भी हम छाल का प्रयोग करते हैं। तो छाल को वही, जैसे वरुण के बारे में बताया था, इसकी छाल को पहले साफ करके छाया में हम सुखा लेते हैं और फिर उसका चूर्ण बना लेते हैं, और फिर दोनों को मिक्स करके हम जो है कषाय या क्वाथ हम डिकॉक्शन हम बनाते हैं। फिर इसके गुण कर्म पे अगर हम जाएं, तो शिग्रु भी वरुण की तरह कटु तिक्त कषाय रसयुक्त होता है,
उष्ण वीर्य वाला होता है, कटु विपाकी होता है, लघु रूक्ष और तीक्ष्ण होता है। तो इन गुणों के आधार पर भी ये जो है कफ और वातज दोनों ही व्याधियों में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, यानी ये कफ वात शामक है। जितनी भी कफज और वातज, कफ वातज ऐसी व्याधि जहाँ पर कफ और वात दोनों एक साथ प्रकोपित हुए हैं, वहाँ पर जो है वो शीघ्रु का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शीघ्रु का प्रयोग हम मेधस्वी पुरुषों में, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में, कहीं भी स्वेलिंग है, कोई भी UTI की प्रॉब्लम है, अश्मरी है, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स में हम शीघ्रु का यूज़ करते हैं। शीघ्रु एक अच्छा एंटी हिस्टामिनिक भी है, यानी कहीं भी बॉडी में एलर्जी हो रही है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, या एलर्जिक जितनी भी कंडीशन रहती हैं, जैसे कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक कफ एंड कोल्ड है, एलर्जिक थ्रोट इन्फेक्शन किसी को हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन में टॉन्सिलाइटिस के केसेस में, या लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, लिम्फ नोड्स बच्चों के जैसे बढ़ जाते हैं ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन, बच्चों कि लिम्फ नोड्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी शीघ्रु का बहुत अच्छा रोल है। विद इन अ फ्यू डेज जो है वो पेशेंट को आराम आ जाता है। बच्चों में जो मैं बात कर रही थी, लिम्फ नोड्स जो बढ़ जाते हैं वो फिर किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं उनका रिस्पॉन्स आता है, तो इस ऐसे केसेस में हम शीघ्रु का प्रयोग हमने देखा है कि 4-5 दिन में ही बच्चे को बहुत अच्छा आराम हो जाता है। रिकरेंट फीवर के केसेस हैं, एब्डोमिनल पेन का केस है, या कोई भी किसी भी तरीके का शूल है बॉडी में, वहाँ पर शीघ्रु का प्रयोग किया जाता है। शीघ्रु भी जो है वो एक कार्मिनेटिव है, और स्टमक जो एक होता है, यानी कोई गैस या पाचन संबंधित कोई व्याधि है, वहाँ भी जो है वो शीघ्रु का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये एक गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। जब हम वरुण और शीघ्रु दोनों को मिला देते हैं तो वो वरुण शीघ्रु कषाय या वरुण शीघ्रु क्वाथ मिलता है। इसको जो बनाने के लिए हमारी फार्मेसी जो है वो रॉ ड्रग्स हम इकट्ठा करके फिर हम इसका शास्त्रीय तरीके से जो क्वाथ बनाने का तरीका है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वाथ बनाते हैं। कुछ फार्मेसीज, बहुत ज़्यादा फार्मेसीज वरुण आदि कषाय या वरुण आदि क्वाथ का फॉर्मुलेशन जो है वो उत्पाद नहीं करती हैं। कोटकल जैसी कुछ फार्मेसीज हैं जिनका वरुण आदि क्वाथ, वरुण शीघ्रु आदि क्वाथ पाया जाता है या उपलब्ध है। अब मैं इन दोनों को एक साथ अगर जैसे मिला देते हैं तो फिर हम मुख्य तौर पर जितनी भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीजेज हैं, जैसे UTI, किसी किसी को रिकरेंट UTI रहता है, या यूरिनरी रिटेंशन रहता है, यूरिन मतलब मूत्र का रुक जाना, ठीक है, या जो है वो यूरिन में ब्लड आना, मूत्रगत मार्ग से रक्त का आना, इन सभी समस्याओं में जो है वरुण शीघ्रु कषाय यूज़ किया जाता है। या अश्मरी है, अश्मरी यानी कैलकुलस, उसमें भी रीनल कैलकुलस अगर है तो जो है वो वरुण शीघ्रु क्वाथ का हम प्रयोग करते हैं। अगर अश्मरी का साइज़ बड़ा है, यानी कैलकुलस का साइज़ बड़ा है, तो वरुण शीघ्रु कषाय जो है वो भेदन, अश्मरी का भेदन करके फिर, क्योंकि एक मूत्रल भी है तो फिर उसको मूत्र के रास्ते से वो बाहर निकाल देता है। वरुण शीघ्रु क्वाथ को हम रीनल फेलियोर के केसेस में भी प्रयोग करते हैं, जब बॉडी में सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड में जो है वो क्रिएटिनिन की मात्रा और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, वहाँ भी वरुण शीघ्रु क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी ग्लैंड डिसफंक्शनिंग है, जैसे कि थायरॉइड ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, अन्य ग्लैंड भी, अगर जैसे एड्रीनल ग्लैंड्स हो गई, उनके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी वरुण शीघ्रु क्वाथ को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वरुण शीघ्रु क्वाथ जितनी भी हमारी ग्रंथि हैं उन रोगों में, ग्रंथिगत व्याधियों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कहीं भी बॉडी में जो है वो सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, यानी अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ट्यूमर इत्यादि के केसेस में होता है, वहाँ भी वरुण शीघ्रु क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। लाइपोमा जैसी कंडीशन, जैसे कि क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के शरीर में छोटी छोटी जो है वो मैदा यानी फैट की जो है वो गांठें बन जाती हैं, और वो नंबर में इतनी ज़्यादा होती हैं कि पेशेंट सर्जरी नहीं करा सकता है, और सर्जरी कराता है तो भी वो बार बार हो जाती है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट का विरेचन करा के, यानी डिटॉक्सिफिकेशन कराने के बाद वरुण शीघ्रु क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लाइपोमा, यानी लाइपोमा वाली कंडीशन में भी वरुण शीघ्रु कषाय का बहुत अच्छा यूज़ है। तो मुख्य तौर पर वरुण शीघ्रु क्वाथ बहुत व्याधियों में यूज़ होता है, बट मुख्यतः हम इसको मूत्रगत व्याधियों के लिए, मूत्र व संस्थानगत व्याधियों के लिए, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी डिसीजेज होती हैं, रीनल फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे रीनल फेलियर के केसेस में अगर
किडनी का फंक्शन ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन हैम्पर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या जो रीनल टिश्यू है, रीनल सेल्स है, उनको रिजुविनेट करने के लिए हम वरुण शिग्रू कषाय का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेदस्वी पुरुष हैं, ओबीज पुरुष हैं, उनमें भी वरुण शिग्रु कषाय का प्रयोग किया जाता है। या ग्लैंडुलर डिसीजेज हैं, कहीं पे बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ है, वहाँ भी जैसे लाइपोमा, ट्यूमर एट्सेट्रा, इन सभी जो है कंडीशंस में हम जो है वरुण शिग्रु कषाय का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वरुण और शिग्रु दोनों में ही ऐसे तत्व पाए गए हैं जो एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी पैथोजन तत्व हैं, इसीलिए हम इनको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो रहा ओरल एप्लीकेशन। अगर वरुण शिग्रु क्वाथ का हम जो है वो स्वेदन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम स्वेद देते हैं, भाप देते हैं या वाष्प जिसे बोलते हैं वो देते हैं, उसमें हम अगर वरुण शिग्रु कषाय का प्रयोग करते हैं तो उससे जितने भी रियोमेटिक डिसऑर्डर में होने वाले शूल हैं, यानी रियोमेटिज्म के कारण जो भी पेन है, उसमें उस वाष्प को हम करते हैं, वरुण शिग्रु कषाय के वाष्प का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी को कॉन्टिन्यूस फीवर या इंटरमिटेंट बीच बीच में टूट टूट के बुखार आता है और क्रॉनिक फीवर रहता है, उस केस में भी वरुण शिग्रु कषाय का ओरल एज वेल एज वाष्प यानी स्वेदन के फॉर्म में प्रयोग करने से काफ़ी फायदा होता है। जितने भी आमवात की कंडीशन है, आर्थराइटिस की कंडीशन है, जहाँ बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, ऐसे केसेस में वरुण शिग्रु कषाय का धारा, सेक या फिर स्वेदन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको ओरल के अलावा लोकल एप्लीकेशन में भी हम प्रयोग करते हैं। वरुण शिग्रु कषाय से परिशेचन इत्यादि करने से शरीर का जो है वो शूल भी खत्म होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया वरुण शिग्रु कषाय के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है या किसी व्यक्ति को वरुण शिग्रु कषाय इस्तेमाल करना है, तो वो पहले इस्तेमाल करने से पहले हमसे संपर्क करें। अगर आपको वरुण शिग्रु कषाय मंगवाना है तो भी आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी फार्मेसी में ये उपलब्ध है। कोई भी जानकारी इससे संबंधित आपको प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वरुण शिग्रु कषाय के बारे में था। तो नमस्कार, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।